एक बिल्ली को चूहा देखा। अब वो चूहा के पीछे दौड़ी और वो चूहा घुस गया कूड़ेदान के अंदर और वो खुदाई करना शुरू कर दी। वो खोदते गई खोदते गई खोदते गई, तो कुछ टाइम बाद एक और बिल्ली आ गई और बोलती कि क्या कर रहे हो बहन। तो वो बिल्ली बोलती है कि मैंने यहाँ पर चूहा देखा है, मैं उसी की खुदाई कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो भी शुरू करती है यहाँ पर खुदाई करना और वो खोदते खोदते काफी देर हो जाती है। तो बोलती है नहीं बहन, तो मेरे को बना रही है। ऐसा सोच सोच के वो वहां से लौट जाती है। फिर भी जिसने चूहा देखी थी वो खुद मतलब खुदाई करती रहती है। उसके कुछ देर बाद फिर एक और बिल्ली आती है, पूछती है क्या कर रही हो बहन। तो वो बिल्ली बोलती है कि यहाँ पर चूहा है, मैं उसके लिए खुदाई कर रही हूँ, उसके पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो भी शुरू हो जाती है उसके साथ खुदाई करने। वो भी लगती है कुछ देर तक, वो भी लगती है लगती है लगती है। तो बाद में वो भी हार मान जाती है, बोलती है नहीं बहन कुछ तो गड़बड़ है, आप बेको बना रही हो। तो वो भी लौट चले जाती है। तो फिर भी खोदे कुछ चालू होती है। ऐसे करके कई सारे बिल्लियां ऐसे आती है, वो साथ देती है खोदने में, लीनो चले जाती है। फिर भी वो लगातार लगी रही, क्योंकि उसने चूहा देखा था। देखा जब भी खोदे कर लगातार खोदते करती रही खोदे करती रही, खोदते खोदते आखिरी में उसको चूहा मिल गई। मिलने वाले उसने पकड़ा और अपना आहार कर लिया। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में अगर आपको लग रहा है आपने सफलता देख लिया, वहां पर आपने देखा अपना विजन क्लियर है, आपका भी सपना पूरा हो सकता है, आपको अगर मान लिया ठान लिया तो आप आगे बढ़ना कोशिश किया, तो क्योंकि आपने देखा है, बाकी और किसी ने देखा नहीं है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, वो आपको मना करेंगे। हो सकता है आपने बोल दिया कि बहुत सारा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसमें अगर काम करोगे तो आपका ड्रीम मरा हुआ सपना जगेगा और वो पूरा भी हो सकता है। आपने बोल दिया तो वो उनको लगा हाँ भाई ठीक है, कोई नहीं कोई ट्राई करते हैं। वो आ तो जाते हैं आपके साथ, कुछ देर तक खुदाई करने शुरू करते हैं, कुछ देर तक मेहनत भी करते हैं, उसके बाद उनको लगता है नहीं, तो साथ छोड़ देते हैं। और हो सकता है और आपको ऐसे बड़े बुली बोल के आपको नेगेटिव भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो आपको करते रहना है निरंतर, उस बिल्ली की तरह जिसने चूहा देखा था। अगर उसको चूहा मिल ही गया, उसी प्रकार आप भी इस क्षेत्र में अगर लगे रहेंगे, जो भी आएगा कुछ देर तक आपके साथ रहेगा, फिर वो चला जाएगा, कुछ देर तक साथ रहेगा फिर चला जाएगा। ऐसे करने से सिलसिला चलता रहेगा और आपका विजन क्लियर रहे और आपका माइंडसेट क्लियर रहे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। उसके लिए सिंपल से प्रोसेस है दोस्त। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्री ट्रेनिंग हो रही है, फ्री ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग की बात रिकॉल, मैं रिसेंटली एक जगह गया था ऐसे प्लान में ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर पता मालूम हुआ, वहां से मालूम हुआ कि कोई भी काम करने के लिए वो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए भी वहां पर पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। पैसे लगाने के बाद बावजूद भी आप फिर भी नौकरी बन रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपका वैल्यू कोई और लगाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप काम करते हैं तो आपको मालिक बनने का एक ऑप्शन मिलता है। इस मालिक वाला हरकत आपको यहाँ पर डेवलप होती है और यहाँ फ्री ट्रेनिंग होती है, जगह जगह आप आ जाइए। और आपको जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर में आपके फोन करें। तो कहाँ पर है इसका, ऑल ओवर इंडिया है, सिर्फ इंडिया में नहीं और कि यानी कि 10 देशों में जा चुके हैं। आप जहां पर भी है, जहां पर भी, जिस गाँव में भी है, जिस दुर्गम क्षेत्र में भी है, आप संपर्क करें, आप वहीं के वहीं भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग के हिसाब से बनेंगे तो आगे चल के आप भी सफल बन सकते हैं। अगर आप ड्रीमर है, वाकई में अगर आप ड्रीमर है, आप कुछ चाहते हैं, अपना नहीं अपना बच्चों का और अपना जितने भी सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और आगे चल के मुझे भी कुछ सपना पूरा करने का अधिकार है, मुझे भी अमीर बनने का अधिकार है, इस ब्रह्मांड में इस यूनिवर्सल में मेरे भी मेरे लिए भी कुछ छोड़ के छोड़ा हुआ है भगवान ने, कि ये सारा जो यूनिवर्स का जो भी प्रकृति है वो सारा मेरे लिए भी है, मैं क्यों गरीब बन के रहूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। और इस क्षेत्र सोच के आगे बढ़ते हैं तो आपको हर को मदद करने वाला है, आपको यूनिवर्सल की मदद करने वाला है, आपको अपने आप मदद करने की कोशिश करें, खुद को मदद करने की कोशिश करें, फिर दुनिया आपको मदद करना शुरू कर देगी। लेकिन बस थकना नहीं है, हारना नहीं है, उस बिल्ली की तरह लगे रहना है, डटे रहना है और आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू।